चलिए, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा ओवरव्यू, पहले स्टार्टिंग में देखो क्या किया आपने, कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या नीड है, क्या फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये समझा। फिर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशंस को देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट्स को देखा, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है ना उधर से? यस सर। अच्छा, यस मेरा ये साइलेंट है इसलिए। हाँ चलो ठीक है, ऑन है ना अधिक? सर। यस सर। हाँ, तो डिफरेंट, हाँ ठीक, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन को आपने देखा। देन आफ्टर दैट मैंने कहा कि अब हमारा फोकस होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे, एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेजरली, अगर मैं बात करूँ तो थ्री थिंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। एंड इसी के मतलब मैं यूं बोल सकता हूँ, हार्ट बॉडी फ्लूड्स एंड द वेसल्स फॉर बॉडी फ्लूड्स, यानी कि ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा पहले हार्ट पढ़ लेते हैं। हार्ट आपने पूरा पढ़ लिया, आपने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों ही देखा। देन आपने हार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट के जो पंपिंग फंक्शन है वो देखा कार्डियक साइकिल के थ्रू। देन डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स आते हैं हार्ट से वो देखा। एंड एट दैट एट लास्ट आपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को कैसे हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, ईसीजी, वो देखा। एक ओवरव्यू दिया ईसीजी का, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमें सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ, और फिर डिसऑर्डर पर के चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो नाउ ब्लड वेसल्स, इसमें मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको पहले ही शेयर कर चुका हूँ, इतने सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और इस चैप्टर में भी कई सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। देखो, ब्लड वेसल्स आर द एक्चुअली द पाइप और द वेसल्स इन विच ब्लड आर फ्लोइंग। देर आर मेजरली फाइव टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन। वन इज आउटा एंड सेकेंड वन इज आउटा गिव्स राइज टू आर्टरी, देन आर्टरी गिव्स राइज आर्टीरियोल, एंड देन आर्टीरियोल ओपन इन टू वेरी फाइन थीन कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द ऑर्गेन। तो अब कैपिलरीज से क्या निकलेगा? वेन्यूल्स, उससे निकलेगा वैन, एंड देन वेनागावा जो हार्ट पे जाके वापस खुल जाएगा। ये तो सर्कुलेशन है, ये तो आपको पहले से ही पता है। इसमें देखो आपको क्या क्या नाम आ गया, मैं डायग्राम के जरिए बता रहा हूँ। देखो, ये तो सबसे बड़ा ब्लड वेसल्स है, दैट इज द आउटा। और आउटा हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? सिस्टेमिक आउटा से, ठीक है। तो बताओ सिस्टेमिक आउटा हार्ट के किस चैम्बर से निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज द आउटा। अच्छा, सिस्टेमिक आउटा को ही डोर्सल आउटा को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या है? डोर्सल आउटा है। अब इस डोर्सल आउटा से एक नहीं कई सारे, ये क्या है? डोर्सल आउटा, लो लिख देता हूँ आउटा। अब इससे एक नहीं कई सारे सिस्टेमिक आर्टरी निकल रहे हैं। सपोज करो उसमें से एक ही आर्टरी है, हम जिस ऑर्गेन को लेके ये आर्टरी को जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी जो सिस्टम को जाता है। देन अब ये सिस्टेमिक आर्टरी जब सिस्टम को ऑर्गेन के अंदर चला गया, तो ये आर्टरी कई सारे ब्रांचेस बनाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज आर्टीरियोल। क्योंकि ऑर्गेन के अंदर भी तो कई सारे टिश्यू है ना। मान ले कि जी किडनी के अंदर घुस गया रीनल आर्टरी, अब ऐसा थोड़ी है कि रीनल आर्टरी घुस गया तो बस एक ही आर्टरी पूरे के पूरे किडनी के सेल्स को सप्लाई दे देगा ब्लड। नहीं, लंग्स के अंदर घुस गया आर्टरी, ऐसा थोड़ी है कि एक ही जो पल्मोनरी वेन एंड या पल्मोनरी आर्टरी या फिर ब्रेंकियल आर्टरी एंटर कर गया लंग्स के अंदर उससे पूरा काम हो जाएगा। नहीं, उसको पहले आर्टीरियोल में ब्रांचेज में कन्वर्ट होना होता है, फाइन ब्रांचेज, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज आर्टीरियोल। आर्टीरियोल, देन ईच एंड एवरी आर्टीरियोल से फाइन कैपिलरीज निकलता है, जिसकी दीवार बहुत ही पतली होती है, क्योंकि ये यूनी लेयर्ड ब्लड वेसल्स होता है दिस वन। ऐसे इधर भी कैपिलरीज, और पता है ये कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होता है जो ऑलमोस्ट हर सेल के कांटेक्ट में आ जाता है। अरे भाई, ये सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फिर एक्सचेंज कहाँ से होगा? जैसे देख लो, ये सेल है और सेल को किस तरीके से कैपिलरी घेरा हुआ है। देन ये कैपिलरी का दो एंड होता है, एक तो ये एंड जो आप ये देख रहे हैं दिस वन, दिस इज आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरी, आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरी, एंड दिस इज द वीनस एंड ऑफ कैपिलरी, यानी कि आप इधर से क्या बनने वाला है? वेन्यूल्स, दिस वन वेन्यूल्स। ऐसे इधर से भी वेन्यूल्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन से
वेन्यूल्स। अब कई सा एक ऑर्गेन के डिफरेंट वेन्यूल्स मिलके क्या बनाए, ये सब क्या है वेन्यूल्स, पहले लिख लो वेन, दिस इज वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। अब डिफरेंट वेन्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, सिस्टेमिक वेन, वेन, सिस्टेमिक वेन। अब अगर ये वेन हमारे हार्ट के नीचे वाले बॉडी ऑर्गेन का है तो ये खुल जाएगा इंफीरियर वेना कावा में, ये खुल जाएगा, ये मान लो कि इंफीरियर वेना कावा है तो ये खुल जाएगा इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा में ऐसे एक नहीं कई सारे वेन खुलेंगे। और अगर ये मान लो कि ये सिस्टेमिक वेन ऊपर से आ रहा होता हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गेन से तो ये उसमें खुल जाता वेन, सिस्टेमिक वेन। अब आप देखो मोटा ये वेन है, ठीक है, अब आप देख लो मोटा मोटी तौर पे कितने ब्लड वेसल्स हैं, गौर से देखो, aorta, सिस्टेमिक आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी, ये ब्लू वाला कैपिलरी है, कैपिलरी, देन वेन्यूल्स, देन वेन सिस्टेमिक वेन, और ये खुलेगा वेना कावा में। तो ये मोटा मोटी तौर पे आपका ब्लड वेसल्स है, aorta, सिस्टेमिक आर्टरी, आर्टेरियोल मिलके कौन सा सिस्टम बनाता है, आर्टीरियल सिस्टम, वेन्यूल्स, वेन, वेना कावा मिलकर कौन सा सिस्टम बनाता है, वीनस सिस्टम। ये आपको पता है, तो फिर आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं आर्टरी और वेन में कुछ डिफरेंस और इन दोनों का एनाटॉमिकल, इनका मतलब कि एक तरीके से हिस्टोलॉजी के किस टिश्यूज से बने हुए हैं उसको हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कैपिलरी को, ठीक है। सुना ध्यान से, जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स में अगर हम टिश्यू को देखें तो ब्लड वेसल्स के, ब्लड वेसल्स के तीन पार्ट अगर मोटा मोटी तौर पे देखें, एक तो आर्टेरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम, कैपिलरी। अगर हम इन दोनों को देखें तो इसके एनाटॉमी में सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका मतलब कवरिंग होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूनिका एक्सटर्ना। बीच वाले को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, चाहे वो आर्टेरियल सिस्टम का aorta, आर्टरी या आर्टेरियोल हो, सभी में बाहर होगा ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच में ट्यूनिका इंटरना, जैसे मान लो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये ट्यूनिका मीडिया और ये ट्यूनिका इंटरना, ऐसा ही पूरे पूरे 3D में फील करो, पूरे चारों ओर से रैपिंग है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना का, जैसे आर्टेरियल सिस्टम है वैसे ही वीनस सिस्टम में भी है, सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, देन ट्यूनिका मीडिया, देन ट्यूनिका इंटरना, लेकिन उन दोनों की लेयर के थिकनेस में अंतर है आर्टेरियल और वीनस सिस्टम में, अभी हम बात करेंगे, होल्ड करो। लेकिन उससे पहले हम कैपिलरी की बात करते हैं, कैपिलरी में ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं होता, ट्यूनिका मीडिया नहीं होता है, केवल ट्यूनिका इंटरना होता है, केवल ट्यूनिका इंटरना होता है। और ध्यान रखना जो ट्यूनिका इंटरना है ये सिंपल एस्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है और इसी ट्यूनिका इंटरना को कहते हैं एंडोथेलियम, द सिंपल एस्क्वेमस एपिथेलियम, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड एज एंडोथेलियम। तो इस कैपिलरी में केवल और केवल एंडोथेलियम होता है, इसमें ना तो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ना ही ट्यूनिका मीडिया है, और इसी वजह से तो कैपिलरी सबसे पतली यूनिलेयर्ड सबसे पतली ब्लड वेसल्स है और इसी वजह से तो वहां से मटेरियल का एक्सचेंज पॉसिबल है। अभी तक आपने जहां कुछ भी पढ़ा है याद करो, वहां किडनी में फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर कैपिलरी याद आ रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी याद करो, लंग्स में पल्मोनरी कैपिलरी, जहां पे भी एक्सचेंज हो रहा है कैपिलरी से ही तो हो रहा है, तो क्योंकि इसमें केवल एंडोथेलियम लेयर है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्नल लेयर नहीं है, केवल ट्यूनिका इंटरनल लेयर। तो अगर कोई सवाल आ जाए पूरे ब्लड वेसल्स में कौन सा लेयर एंटायर ब्लड वेसल्स में है, एंटायर ब्लड वेसल्स में कौन सा लेयर है, क्या आंसर होगा, ट्यूनिका इंटरना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एंडोथेलियम, ठीक है। अच्छा अगर ये बोला जाए कि कौन सा ऐसा लेयर है जो आर्टेरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम में मगर कैपिलरी में नहीं है, आंसर विल बी एक्सटर्नल ट्यूनिका मीडिया। तो एक तो ये तो हो गया ओवरव्यू, अब हम देखते हैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे इसका इसका या फिर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखते हैं कि आर्टेरियल सिस्टम और वीना सिस्टम में क्या क्या है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बजाय मैं आपको बना बनाया डायग्राम समझाता हूँ, चीजें तुरंत समझ में आ जाएगी क्योंकि आज बहुत कुछ लेना है।
देखो ये डायग्राम में समझा चुका हूँ, ब्लड वेसल्स यही अभी बना रहा था मैं थोड़ी देर पहले, देख लो ना कैपिलरी के बारे में सब कुछ बता दिया, सिंपल इसको एंडोथेलियम। अच्छा एक बार पता है, अगर पूरे बॉडी के कैपिलरी को आप देखेंगे ना, पूरे बॉडी के कैपिलरी को, तो टोटल ब्लड का 5-6% ब्लड ही रहता है कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी से लगातार एक्सचेंज चल रहा होता है, उसमें ब्लड स्टे नहीं करता है। जस्ट वेट 1 मिनट, ठीक है, उसमें ब्लड स्टे नहीं करता है, तो उसमें ब्लड लगातार जो आया उसका फिल्ट्रेशन होगा फिर आगे जाएगा। तो अगर एट अ टाइम आप पूरे कैपिलरी को अगर एट अ टाइम जज करेंगे तो आपको मात्र 5-6% देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सरफेस एरिया वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कैपिलरी का ही है भैया, क्योंकि फाइन ब्रांच मेनी ब्रांच बना लेता है। अब जिसका ब्रांच ज्यादा होगा सरफेस एरिया तो ज्यादा होगा ना। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आर्टरी और वेन का, पहले डायग्रामेटिक डिफरेंसेस देन बाकी डिफरेंसेस आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। देखो यही है 3 लेयर जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था, ट्यूनिका एक्सटर्ना, दिस वन देख रहा है जी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टेरियल सिस्टम। सुना जहां से, ये किस चीजों से बना होता है? ये बना होता है एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या होता है मैं टिश्यू में बता दूंगा, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, साथ ही साथ इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल होते हैं, मतलब ये जो लेयर है इसके लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, लाइक दिस, इसके लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और साथ ही साथ इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इस लेयर में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। तो तीन चीज बोलो क्या क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लॉन्गिट्यूडिनल मसल और इलास्टिक फाइबर, और इसी की वजह से आर्टरी की वॉल, चूंकि इलास्टिक फाइबर रखता है, इसी की वजह से आर्टरी की वॉल इलास्टिक होती है, इलास्टिक होती है क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर पाया जाता है। देन मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया, ये ट्यूनिका मीडिया पूरा का पूरा स्मूथ सर्कुलर मसल, ये देखो सर्कल के फॉर्म में ना, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वे में था और यहाँ सर्कुलर मैनर में स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल, और आपको पता है कि स्मूथ मसल्स कैसा होता है, स्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, सो दिस इज मेनली मेड अप ऑफ अनस्ट्रेटेड सर्कुलर स्मूथ मसल, और इसी की वजह से, और सुनना ध्यान से, ये जो मिडिल लेयर है ना ट्यूनिका मीडिया, ये आर्टरी की ज्यादा मोटी होती है, वेन की थोड़ी पतली होती है, ये वाली लेयर आर्टरी की मोटी होती है, वेन की पतली होती है, और यही कारण है कि आर्टरी का दीवार मोटा होता है ओवरऑल और वेन का दीवार पतला होता है ओवरऑल, ठीक है। देन इनर मोस्ट लेयर, दिस वन जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, दिस वन इज द मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दिस वन मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ट्यूनिका इंटरना एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोथेलियम। सुनना मेरा बात, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना वेन में भी मिलता है, देख लो, बट अंतर किस बात का है, ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ आर्टेरियल सिस्टम में इलास्टिक फाइबर होता है और इसमें इलास्टिक फाइबर नहीं होता है, थ्योरी में लिख दिया है, इसमें इलास्टिक फाइबर नहीं होता है। अब मुझे एक बार बताओ, तो अगर मैं आर्टरी और वेन में बात करूं तो कौन इलास्टिक नेचर शो करेगा और कौन नॉन इलास्टिक नेचर शो करेगा, आर्टरी इलास्टिक होगा, वेन इलास्टिक नहीं होगा, इसका मतलब आर्टरी एक्सपांड कर सकता है, वेन एक्सपांड नहीं कर सकता क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। जस्ट वेट, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, ठीक है। देन एक मिनट, हाँ देन उसके बाद और नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, तो ये हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना का डिफरेंस कि इसमें इलास्टिक फाइबर है, इसमें इलास्टिक फाइबर नहीं है, ठीक है। देन अब आते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया में क्या डिफरेंस, अभी मैंने जस्ट बताया था, इसकी ट्यूनिका मीडिया मोटी होती है, इसकी ट्यूनिका मीडिया पतली होती है, सारी बात थ्योरी में लिखी हुई है उधर, इसकी ट्यूनिका मीडिया पतली होती है। देन अब आते हैं ट्यूनिका इंटरना पे, ट्यूनिका इंटरना इसकी भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, इसकी भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना में तो इलास्टिक फाइबर है ही सही, बाकी पूरी की पूरी आर्टेरियल वॉल में ये जो सर्कुलर स्मूथ मसल है
उसमें बीचों बीच एक लेमिना होता है जिसको बोलते हैं इलास्टिक लेमिना। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लेमिना। वो इलास्टिक लेमिना इसके ट्यूनिका इंटरमीडिया में नहीं है। एक्चुअली में ट्यूनिका मीडिया में नहीं होता है, पूरी की पूरी आर्टेरियल वॉल में एक वॉल एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं इलास्टिक लेमिना। लेमिना मतलब कवरिंग होता है, एक तरीके से लेयर होता है। ये आर्टेरियल में होता है, आर्टेरियल सिस्टम के वेसल्स में, वेनस सिस्टम में नहीं होता है। अब बताओ इन दो कारणों से आर्टरी की दीवार वॉल कितनी इलास्टिक हो गई और वेन इलास्टिक नहीं है, नॉन इलास्टिक है। अब जो एक मेजर डिफरेंस है, एक बात बताना, मान लो कि ये दो पाइप है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि दोनों पाइप का अगर आप ये देखोगे डायमीटर, डायमीटर मतलब कि ओवरऑल थिकनेस और उसके अंदर ल्यूमेन जो है ओवरऑल डायमीटर, तो दोनों के डायमीटर सेम है। सपोज करो कि मैं इस मोटाई का दो पाइप बना रहा हूं, ठीक है। अब मैंने मोटाई दोनों की फिक्स रख दी कि इतने ही डायमीटर की बननी है दोनों पाइप, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि एक का दीवार ड्यू टू सर्कुलर स्मूथ मसल, एक का दीवार मोटा हो जा रहा है और एक का दीवार पतला हो जा रहा है। आर्टरी का दीवार मोटा हो जा रहा है और वेन का दीवार पतला हो जा रहा है। तो मुझे बताओ अंदर में जो ल्यूमेन बनेगा, ल्यूमेन जो ओपन स्पेसेस होगा, वो किसका ज्यादा किसका कम होगा, मतलब किसका ब्रॉड किसका नैरो होगा? मैंने पहले बता दिया कि आर्टरी का ब्रॉड होगा। अरे भैया आर्टरी का नैरो होगा, नैरो होगा। आर्टरी की दीवार मोटी है और जिसकी दीवार मोटी होगी ना उसका अंदर का ल्यूमेन का स्पेस कम बचेगा, क्योंकि आप बाहर एक्सपांड नहीं। मैंने बोला दोनों का डायमीटर फिक्स है, डायमीटर दोनों का ओवरऑल फिक्स है। अब मैं कह रहा हूँ कि आर्टरी की दीवार मोटी है तो अंदर की तरफ मोटी होगी, और अंदर की तरफ मोटी होती जा रही है तो जारी सी बात है अंदर का जो स्पेस है वो छोटा होगा, वो नैरो होगा। और वेन मैंने बोला डायमीटर का भी उतना ही है जिसका जितना इसका है, लेकिन इसकी अंदर से दीवार पतली है क्योंकि स्मूथ मसल इसमें ज्यादा नहीं है। तो अगर ऐसा है तब तो इसका ल्यूमेन जो है वो ब्रॉड होगा, सो दैट ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज लो एंड ल्यूमेन ऑफ वेन इज मोर। अब समझना, वेन के ल्यूमेन में एक खास प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं वाल्व्स, वाल्व्स। और ये वाल्व्स वेन में ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। कैसे? अभी मैं ब्लड प्रेशर में समझा दूंगा, पहले स्ट्रक्चर समझ लो। ये वाल्व्स ब्लड में ब्लड के बैक फ्लो को वेन्स में रोकता है। फिर आप बोलोगे सर ये वॉल्व आर्टरी में क्यों नहीं मिलता है? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, वहां ब्लड के बैक फ्लो की संभावना ही नहीं है। क्यों नहीं है? अभी ब्लड प्रेशर में समझाऊंगा, रुक जाओ। सो दिस इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टेरियल सिस्टम ठीक है हाँ क्या बोला दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम। अभी और भी डिफरेंसेस हैं जो अभी ब्लड प्रेशर के साथ समझाऊंगा। एक बार बताओ कि जिसका ल्यूमेन अंदर से नैरो है उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा प्रेशर के साथ बह रहा होगा, वेन में ब्लड प्रेशर कम होगा, ये सब बात अभी मैं समझा दूंगा। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा ब्लड प्रेशर समझा देता हूँ क्या होता है, ताकि सारा डिफरेंस क्लियर हो जाए। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? जो वेसल्स में ब्लड बह रहा है वो वेसल्स की दीवार पर जो प्रेशर लगा रहा है दैट इज ब्लड वेसल्स, सॉरी दैट इज ब्लड प्रेशर। क्या होता है ब्लड प्रेशर, फिर बता रहा हूं। जो जो ब्लड फ्लो कर रहा है किसमें, जो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है वो फ्लोइंग ब्लड वेसल्स की दीवार पर प्रेशर लगाता है, दैट प्रेशर इज नॉन एज ब्लड प्रेशर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आर्टेरियल सिस्टम का मैंने पहले बोल दिया कि इसका ल्यूमेन नैरो है और इसका ल्यूमेन वेन का ब्रॉड है, तो मुझे बताओ कि जब ब्लड का सेम अमाउंट गुजरता होगा आर्टरी से और सेम अमाउंट गुजरता होगा वेन से, तो किसमें प्रेशर ज्यादा लगता होगा किसमें कम लगता होगा? आर्टरी में ज्यादा लगता होगा और वेन में कम लगता होगा। अब मुझे एक बार बताओ, अगर आर्टरी में प्रेशर ज्यादा लग रहा है और प्रेशर के एक मतलब की हाई स्पीड से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो पता है आफ्टर द डेथ आपको पता है कि हार्ट का एक्टिविटी रुक जाता है। एक्चुअल में आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होने का दो दो कारण है, एक तो ल्यूमेन नैरो है पहली बात, दूसरा आर्टेरियल सिस्टम हार्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, आर्टेरियल सिस्टम हार्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे वो सिस्टेमिक आर्टरी हो, हार्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड है। और वहां से जब वेंट्रिकल्स में पंपिंग होता है तो वो ब्लड एक प्रेशर के साथ फ्लो करके आता है आर्टेरियल सिस्टम में। तो मुझे एक बात बताना कि जब ऐसा हो रहा होगा तो अगर पर्सन का कल को डेथ हो गया और डेथ होने के जस्ट बाद जो अभी हार्ट ने ब्लड पंप किया था, इसके बाद हार्ट ने ब्लड पंप करना छोड़ दिया क्योंकि पर्सन का डेथ हो गया,
तो जो पंप हुआ उसको एक प्रेशर तो मिल चुका है, तो आर्टेरियल सिस्टम से वो ब्लड प्रेशर के साथ आगे बढ़ जाएगा। हार्ट पंप करना भी जस्ट रुक गया। अरे ऐसे समझो, सुनो, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, उधर से कॉर्क आ रहा है, मैं इधर से मार रहा हूँ, अब मैं थक गया। लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम मारा तो बताना कॉर्क उस साइड जाके रुका या फिर यहीं रुक गया? अरे लास्ट टाइम मैंने शॉट मारा कि नहीं मारा? तो लास्ट टाइम कॉर्क मेरे पास तो आके नहीं रुका ना, उधर चला गया ना। हाँ ठीक है, अब अगली बार जब वो आने का प्रयास करेगा तो अब मैं ब्लड पंप नहीं कर पाऊंगा, यानी कि अब आर्टेरियल सिस्टम में ब्लड आएगा ही नहीं, क्योंकि आर्टेरियल सिस्टम में ब्लड आता ही है हार्ट के पंपिंग से। तो मुझे एक बात बता, अगर आफ्टर द डेथ आप आर्टरी और वेन दोनों का डिसेक्शन करेंगे तो किसमें ब्लड मिलेगा और किसमें ब्लड नहीं मिलेगा? वेनस सिस्टम में ब्लड मिलेगा, आर्टेरियल सिस्टम में नहीं मिलेगा, क्योंकि वेनस सिस्टम में ब्लड लो प्रेशर के साथ लो स्पीड के साथ फ्लो करता है और आर्टेरियल सिस्टम में ब्लड हाई स्पीड के साथ हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। वो सारा ब्लड एम्प्टी हो चुका होगा, वेनस सिस्टम में एंटर कर चुका होगा, और वह वेनस सिस्टम में हार्ट में अगर गया भी होगा तो हार्ट पंप नहीं कर रहा है, पर्सन का डेथ हो चुका है। तो ब्लड वेनस सिस्टम में मिलेगा लेकिन आर्टेरियल सिस्टम में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक तो ये डिफरेंस। दूसरा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप बॉडी को देखोगे जितना भी आर्टरीज है, आर्टरीज आपका बॉडी में डीपली सिचुएटेड है, इसलिए तो आपका बॉडी का बार बार रेडनेस नहीं दिखता। अगर आप ब्लड वेसल्स को देखना चाहें, ब्लूइश दिखता है, ग्रीनिश दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अच्छा बताओ, आर्टेरियल सिस्टम मोस्टली केड़ी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी। वेनस सिस्टम जनरली केड़ी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड अम्बिलिकल वेन। तो एक बार बताओ, ये जो मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है आर्टेरियल सिस्टम, आप गौर करना उसको, आर्टेरियल सिस्टम को रेड रेड या पिंक कलर का दिखेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जो रेड कलर कंपाउंड होता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन जब आप इसको देखोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वहाँ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कम है, क्योंकि O2 कम है ना, वहाँ पे CO2 ज्यादा है, तो वहाँ ज्यादा क्या है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो ओवरऑल ब्लूइश या ग्रीनिश कलर का कंपाउंड होता है। तो इसलिए वीनस सिस्टम के को जब आप देखोगे तो उसमें ब्लूइश या ग्रीनिश ब्लड फ्लो कर रहा होगा, उतना पिंकिश नहीं होगा। जबकि आर्टेरियल सिस्टम में देखोगे तो इसमें पिंकिश या रेडिश कलर का ब्लड फ्लो कर रहा होगा। आपके बॉडी में मोस्ट ऑफ द आर्टरीज डीपली सिचुएटेड एंड मोस्ट ऑफ द वेन सुपरफिशियली सिचुएटेड है। तो कल को हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आएगा, कोई स्टूडेंट एग्जाम प्रेशर में सुसाइड कर लिया और वो सुसाइड किया है ब्लड वेसल्स को कट लगा के, तो मोस्ट प्रोबेबली ब्लड वेसल्स उसका वेनस सिस्टम कटेगा या आर्टेरियल सिस्टम कटेगा? वेनस सिस्टम कटेगा। मैंने मोस्ट प्रोबेबली बोला है, बट सुना ध्यान से, मोस्ट ऑफ द केसेस में इतना हिम्मत कहाँ है कि काट के मर जाए, ठीक है। ये इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए, ट्राई करना है एक बार, ठीक है, एक बार काट के देखना कि वीनस कटता है कि आर्टरी कटता है। जब वीनस कटेगा ना, मरने से पहले डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे, कलेजा चाहिए इसके लिए। तो जैसे ही काटोगे वीनस सिस्टम, आपको इतना पेन होगा और ऐसे इतना ब्लड फ्लो होगा, ब्लड लीकेज होगा कि आप तुरंत भागे भागे डॉक्टर के पास पहुंचोगे। आर्टेरियल सिस्टम कट ही नहीं पाता है, उससे पहले आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओ। लेकिन भाई साहब, अगर आप ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन में हैं और अगर आर्टेरियल सिस्टम तक पहुंच गए तो फिर डॉक्टर बोलेगा यहाँ नहीं आना था आपको, अब आप इसका इंतजाम कीजिए, ये निकल चुका है, अब आप इसका अंतिम यात्रा का व्यवस्था कीजिए, गलत जगह आ गया। आर्टेरियल सिस्टम कट गया फिर तो मामला समाप्त है, क्योंकि आपको पता, सुना ध्यान से, अगर आर्टेरियल सिस्टम कट गया तो बॉडी सिस्टम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई रुक चुका है, दिस इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू कि वीनस सिस्टम कटा है तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गेन से नहीं निकल पा रहा है, थोड़े समय तक मामला संभाला जा सकता है। आर्टेरियल सिस्टम कट गया है, मामला तुरंत निपट जाएगा, समझ रहे हो? सो दिस इज द आर्टेरियल सिस्टम, वीनस सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम डीपली सिचुएटेड होता है और वीनस सिस्टम सुपरफिशियली सिचुएटेड होता है, ठीक है। सो दैट कटिंग में ज्यादा चांसेस होता है पहले वीनस सिस्टम को कट लगने का, और अगर कट लग जाता है तो वीनस सिस्टम, चूंकि इसकी दीवार बहुत ज्यादा मोटी है भी नहीं, रिपेयरिंग में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, इजिली रिपेयर हो जाता है एज कम्पेयर टू आर्टेरियल सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज द कंपेरिजन बिटवीन द आर्टरी एंड वेन। मैंने जो कुछ भी बोला है यहाँ पे थ्योरी के फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है, एक एक करके सारे पॉइंट को रीड करते हैं। पहला पॉइंट, आर्टरीज कैरीज
ब्लड ऑलवेज फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, वेन कैरीज ऑलवेज ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, ये सब बात आप पढ़ लेना, नॉर्मल बातें जो मैंने बोला। इसमें इंटरनली वॉल्व्स नहीं होता है, जरूरत ही नहीं है। इसमें ब्लड ऑलवेज यूनिडायरेक्शन फ्लो करता है, बैक फ्लो की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन इसमें बैक फ्लो का चांसेस है, इसको रोकने के लिए वॉल्व्स होता है। आर्टरी की दीवार मोटी होती है क्योंकि इसके मस्कुलर लेयर थिक होते हैं, बीच वाले ट्यूनिका मीडिया। इसकी पतली होती है क्योंकि मस्कुलर लेयर थिन होता है, ट्यूनिका मीडिया। ल्यूमेन आर्टरी का नैरो होता है, इसका ब्रॉड होता है। इसके वॉल मोर मस्कुलर इलास्टिक और नॉन कोलेप्सिबल, सुनने ध्यान से, नॉन कोलेप्सिबल क्या, इलास्टिक एक अलग चीज है और नॉन कोलेप्सिबल अलग चीज है। एक बार बताओ, जिसमें इलास्टिसिटी है वो कभी कोलेप्स करेगा? अरे नहीं करेगा यार। एक बार बताओ, ये प्लास्टिक का बोतल है, ये प्लास्टिक का बोतल है, इसमें इलास्टिसिटी है? नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। अगर इसको मैं जोर से पिचका दूं तो ये पिचका ही रह जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे मैं रबर का ले आऊं या ऐसा ही बोतल बना के और उसको पिचकाऊं तो बताओ दोबारा अपने शेप को रिगेन कर लेगा, कर लेगा, तो क्या वो कभी कोलैप्स होगा? नहीं होगा। तो जिसमें इलास्टिसिटी है वो नॉन कोलेप्सिबल होगा, और जिसमें इलास्टिसिटी नहीं है वो कोलेप्सिबल होगा। इसलिए वेन को कोलेप्स होने की ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। इसमें ब्लड हाई स्पीड और प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसमें ब्लड लो स्पीड और प्रेशर के साथ फ्लो करता है। ये डीपली सिचुएटेड होता है, ये सुपरफिशियली सिचुएटेड होता है, डेथ के बाद ये एम्प्टी हो जाता है, ये एम्प्टी नहीं होता है। बाकी डायग्राम तो मैंने समझा ही दिया, ठीक है। सो दिस इज द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन, कैपिलरी, इसके बारे में जो भी पॉइंट हो सकता था मैंने समझा दिया, ठीक है। अब सुनना, आपके बॉडी को सप्लाई करने वाले कुछ अलग अलग वेन और आर्टरी का मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ, सुना ध्यान से। वैसे तो भाई ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आप जब MBBS में पढ़ोगे ना, आपको पूरा का पूरा एक सर्कुलर एनाटोमी, पूरा का पूरा टॉपिक याद करना पड़ेगा और आपका दिन बड़ा ही खराब गुजरेगा उसमें। एक एक ब्रांच, एक आर्टरी का जो ब्रांच निकलता है ना, उससे फिर कितने ब्रांच निकलते हैं इसको याद करने में तो आपको एक सप्ताह निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे कितने सारे आर्टरी हैं वो अभी मैं आपको एक कॉमन डायग्राम से बताऊंगा। तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन ठीक है, एक आइडिया दे रहे हैं, एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे आउटा से निकला और कितने सारे आर्टरी बने और कैसे वीनस सिस्टम ने कई सारे वेन से लेके वेना कावा में खुला, ठीक है। एक ओवरव्यू बता रहे हैं। उससे पहले एक बात बताओ, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, कहाँ गया ये वाला हार्ट वाला, ये डॉर्सल आउटा। एक बात बताओ, आपने कभी एक बात सोचा कि चलो ये तो छोटे मोटे आर्टरी हैं और आर्टेरियोल, अगर इसको खुद को ब्लड O2 की जरूरत होगी तो ये ब्लड में बहते हुए O2 को ले लेगा, यस और नो? और इसमें CO2 छोड़ देगा, क्योंकि बहुत बड़ा टिश्यू नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा टिश्यू का नंबर नहीं है, कर सकता है कौन, आर्टरी और आर्टेरियोल, ठीक है। लेकिन आपने कभी ये सोचा, इतना बड़ा जो आउटा है, ये आउटा में हर सेल, हर टिश्यूज की क्या डिमांड पूरी हो जाएगी डायरेक्ट फ्लोइंग ब्लड से O2 लेना और CO2 देने से? नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा इसमें जो O2 है, सारा का सारा टिश्यू है मल्टीलेयर्ड फॉर्म में है, और वो सारा का सारा जो टिश्यूज है और सेल्स हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है भी नहीं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये आउटा, इसको खुद को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत है, जबकि इससे खुद ब्लड फ्लो कर रहा, लेकिन ये इतना बड़ा बड़ा ब्लड वेसल्स है कि इसको खुद को ब्लड वेसल्स की जरूरत है, यस और नो? तो सुना जा, इसी में से ब्रांच निकलता है, इसी में से ब्रांच निकलता है और इसी को जाता है, और इसमें जाके फाइन ब्रांचेस बना के पूरी की पूरी आउटा को, इधर भी और इधर वाले में भी, इधर वाले में भी मैं बात कर रहा हूँ, आउटा को सप्लाई करता है। यानी कि बड़े ब्लड वेसल्स आउटा को, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं वासा वेसोरम। क्या बोलते हैं उसको? वासा वेसोरम या वेसल्स ऑफ वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स है बड़ा सा, इसका वेसल्स वासा वेसोरम। एक तो पॉइंट ये बताना था, दूसरा एक बात बताना, ये बात, ये पॉइंट समझ गए ना? वासा वेसोरम, वासा वेसोरम क्लियर है? यस सर, यस सर। चलो अब मैं एक कॉमन बात बता रहा हूं, ये वाला डायग्राम मैं बताऊं, एक बात याद करो, वो वाला एक काम करता हूं, इसको अगले मीटिंग में ना मैं 3D डायग्राम से समझाता हूँ, इसमें ना थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। 3D डायग्राम में अगर गौर की हो तो ये ऐसे नहीं निकलता है, एक्चुअल में ये यहाँ से निकलता होता है, याद है? Yes. हाँ, तो ये बनाने के लिए हम बार बार ऐसे बना लेते हैं, तो वो जो प्रिंटेड 3D डायग्राम है ना, मैं उसी में और बातें समझाऊंगा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पूरे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स जो है, मैं उसका कनेक्शन समझाऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा उस डायग्राम से, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो पूछे गली से। अतीक, नो सर। दृष्टि, नो सर।
विवेक नमस्कार। तो एक काम करो, यहाँ तक पढ़ लो पहले, जल्दी से यहाँ तक, फिर मिलते हैं अगले मीटिंग में।